समाजवादी पार्टी के मुख्य संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 22वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से समूचे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। जगह जगह पर रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 258 विधानसभा हंडिया क्षेत्र के भीटी के 90 चौराहा पर वरिष्ठ सपा नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर सुरेश चंद मौर के नेतृत्व में मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान 51 किलो का केक भी काटा गया। साथ ही साथ सपा समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां भी दिया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने जमकर सराहना किया। इस दौरान डॉक्टर सुरेश चंद मौर ने कहा कि गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह के दलितों और पिछड़ों को समाज में अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी है, साथ ही साथ उनका मनोबल ऊंचा किया है। ऐसे महान नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर खुशियां मनाना अपने आप में गर्व की बात है। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरीश चंद यादव व वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष बंगाली विश्वकर्मा, डॉक्टर वी प्रसाद बिंद, चंद्रभूषण बिंद, राजूपाल भोला पासी, रामधनी बिंद, शिरोमणि यादव, विजय कुमार यादव, रविशंकर पासी समेत कई लोग मौजूद रहे। हम लोगों के पार्टी के संरक्षक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री उत्तर भारत सरकार के रहे। हम लोगों के महबूब नेता माननीय मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन है, जो अगड़े पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सबको साथ लेकर चले। उन्होंने समाजवाद की नींव रखी। ऐसे समाजवादी सोच के नेता को हम लोग तहे दिल से सलाम करते हैं और आज हम लोग उनका जन्मदिन यादगार के रूप में मना रहे हैं। ऐसे महबूब नेता जिन्होंने जो निचले समाज के तबके के लोग थे उनको भी ऊपर उठाने का काम किया, सबकी भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित की और जो कभी कल्पना नहीं कर सकता, यहाँ पे हमारी जो सामंतवादी ताकतों द्वारा सताई गई आदरणीय फूलन देवी थी, उनको उन्होंने भदोही लोकसभा से ले आकर के लड़ा के सांसद बनवाया। ऐसी हिम्मत कोई धरती का नेता, जिनको हम लोग धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से जानते हैं, वही कर सकते हैं कि जो लोग सताए हुए लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, सबको साथ लेकर चलने की जो क्षमता है हम लोग के नेता माननीय मुलायम सिंह का जन्मदिन आज हम लोग जोर जोर से मना रहे हैं। तो कहीं चुनावी समर में भी आपका कूदने का इरादा तो नहीं है? चुनावी समर में हर आदमी की जो राजनीति करता है उसकी इच्छा होती है समाज सेवा करने की। समाज सेवा हम लोग कर ही रहे हैं और समाज सेवा निश्चित रूप से राजनीति में भी रह करके, बिना राजनीति के भी की जा सकती है। आज नेताजी का जन्मदिन है, जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोगों को जन्मदिन मनाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति का समय आगे पीछे पड़ा रहेगा, किया जाएगा। आज हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व उत्तर भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी के 82वां जन्मदिन है। आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो अभी हमारे शादी कर रहे थे, एक नाम मुलायम सिंह नाम ने, मुलायम सिंह नाम मतलब एक ऐसी शख्सियत है जिसको प्रदेश में आज तक नेता के नाम से दो लोग जाने जाते हैं, एक सुभाष चंद्र बोस थे या तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ही पूरे देश में नेताजी नाम से विख्यात साथी हो। उन्होंने जो गरीबों के लिए मसीह के काम किया, आज भी कुछ साथी हमारे कह रहे थे कि जब रक्षा मंत्री बने थे उसके पहले भी कोई भी सैनिक हमारे अगर शहीद हुआ करते उनकी मिट्टी नहीं आया करती थी, आज उनकी देन है, उनकी मिट्टी सम्मान से घर पर आती है। प्लस मुलायम सिंह जो रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा 7-7 लाख रुपया जो मरने के बाद सैनिक के परिवार को दिया जाएगा।